हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं राहुल आर एग्जॉटिक से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनिमल जगत में। तो जैसे कि आपने आज देखा है कि आज हमारे पास इस वीडियो में जो है चार तरह के अलग अलग कन्यूर्स हैं। मतलब कन्यूर्स चार हैं, पर हम इसमें ज़्यादा वैरायटी कवर कर लेंगे, क्योंकि जैसे आप ब्लू ग्रीन चिकन कन्यूर देख रहे हैं तो इसमें तीन चार वैरायटी जो होती हैं इसके साथ की जो हैं वो सारी कवर कर लेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप वगैरह ना करना, क्योंकि बीच बीच में कुछ काम की बातें, कुछ आपके लिए कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहेंगी। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स में चार अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में बात करनी है, तो उसके बारे में करेंगे। तो आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं, पहले नंबर पर जो ऊपर बैठा है ये सन कन्यूर है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पूरी डेडिकेटेड वीडियो है सन कन्यूर के बारे में, और आने वाले टाइम पर और भी बनाऊँगा सन कन्यूर की। तो ये सन कन्यूर है और बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब आजकल, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बर्ड जो है सन कन्यूर है। थोड़ा सा नॉइजी है पर काफ़ी डिमांडिंग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, खेलते घूलते रहते हैं और आपका मन लगा के रखते हैं, और देखने में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। मतलब जैसे जैसे एडल्ट होते रहेंगे इनके कलर बदलते रहेंगे, अब जितना एडल्ट हो जाएगा उतना येलो हो जाता है, मतलब 2 साल बाद ये प्रॉपर येलो हो जाएगा। और जो दूसरा जो ये देखिए सन कन्यूर है, और इसका जो थोड़ा सा ऑरेंजी शेड में है, तो मतलब रेड फैक्टर तो नहीं है पर अच्छा कलर में, नॉर्मल में इसको अगर हम नॉर्मल दूसरी चीज़ से कंपेयर करें उसके मुकाबले अच्छा है। ये जो है जो एक दूसरे पर्च पे बैठा है वो ब्लू ग्रीन चिकन कन्यूर है। ये जो नीचे बैठ अभी आ गया है इनको परेशान करने के लिए, थोड़ा बड़ा, इन सब पूरे लॉट में सबसे बड़ा ये बर्ड है जो कि पूरा वीन हो चुका है और सेल्फ फीडिंग पे अभी नहीं आया है, पर सॉफ्ट फूड वगैरह खा रहा है पूरा। बाकी मैं हैंड फीड कर रहा हूँ उनको, सारे बर्ड्स हैंड फीड पे हो रहे हैं और सारे बर्ड जो हैं अपना सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, बस ब्लू क्राउन को छोड़ के। और जैसे ग्रीन चिक कन्यूर है, उसी की वैरायटी है, मतलब ग्रीन चिक में जो होता है, तो ग्रीन चिक में जब पहले होता है जो ग्रीन नॉर्मल ग्रीन चिक होता है, मैरून टेल होता है, और उसके बाद जो होता है ग्रीन में ही होता है येलो साइडेड कन्यूर होता है जो थोड़ा सा आगे से रेड होता है, फिर एक होता है सिनेमन कन्यूर होता है, और येलो साइडेड का हेड होता है ब्लैक होता है, सिनेमन का हेड जो होता है थोड़ा सा ग्रेइश और उसमें ब्राउनी शेड में होता है, फिर उसके बाद पाइनएप्पल होता है, उसका भी सिनेमन जैसा होता है पर उसका फ्रंट पूरा रेड होता है, फिर उसके बाद जो है ब्लू सीरीज शुरू हो जाती हैं। तो ये ब्लू सीरीज में जो है ये ब्लू ग्रीन चिकन कन्यूर है, तो ये ग्रीन की जगह ब्लू है, बस इसमें ये फ़र्क है। और इसके बाद जो होता है फिर वही शुरू हो जाता है, ब्लू येलो साइडेड, ब्लू सिनेमन और ब्लू पाइनएप्पल। तो ये सारी वैरायटी होती हैं इनकी ग्रीन चिकन कन्यूर्स की, और इनके भी मार्केट ठीक है और अच्छा, मतलब ऑन बजट, जो बजट वाला बर्ड होता है जिसको, मतलब कॉकटेल्स का बजट होता है जिसका, और जो थोड़ा सा बजट अपना स्ट्रेच करके एक पैरट ले सकता है तो उसको ये ले लेना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल सस्ती रेंज का बर्ड है, इतना महंगा भी नहीं होता है और प्लेफुल बर्ड है, छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ भी नहीं होता है तो बड़ा पिंजरा भी नहीं देना पड़ता है, और दूसरा देखने में भी अच्छा है, कलर्स भी बहुत आ जाते हैं इसमें, 5-6 वैरायटी 8 वैरायटी के कलर्स आ जाएंगे कम से कम इसमें, और नॉइज़ी नहीं होता है, ये बहुत कम आवाज़ होती है इसकी, इतनी नहीं होती है। और ये आप जो नीचे एक और देख रहे हैं ये क्रिम्सन बेलीड कन्यूर है, और क्रिम्सन बेलीड कन्यूर जो होता है इसके बारे में भी मैं इसकी वीडियो बना दूंगा आगे, इसका मेरे पास पेयर पड़ा है, उसकी का बच्चा है ये। तो क्रिम्सन बेलीड कन्यूर है, ये होता तो ग्रीन चिक के साइज़ का है, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, बस बिल्कुल नामात्र बड़ा होता है, और आगे से जो फ्रंट होता है इसका पूरा ही रेड होता है, इसलिए इसका नाम इसका क्रिम्सन बेलीड है, मतलब इसकी जो बैली होती है, जो फ्रंट होता है पूरा लाल रंग का होता है, नेक से नीचे जो उसका पेट वगैरह होता है पूरा रेड कलर का होता है, रेड भी ब्लड रेड होता है, जैसे मतलब बिल्कुल ब्राइट रेड एकदम, और देखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत बर्ड होता है ये, और अगर आप इसको ले सकते हैं तो ले सकते हैं। और इसमें कलर्स एक ही बर्ड के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, देखिए जैसे इसका जो शोल्डर का एज है वो रेड है, टेल की टिप जो है वो ब्लू है, और बीच में डार्क ब्लू डार्क ग्रीन कलर है, फिर थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है, फिर ब्लू के 3-4 शेड आते हैं, तो ऐसे बहुत ब्राइट और कलरफुल बर्ड होता है। और ये तीन बर्ड जो हैं ये वो है गए, और इसके बाद जो लास्ट बर्ड जो आप देख रहे हैं ये आ गया अपना ब्लू, ये वाला जो फ्रंट में बैठा है ये आ गया अपना ब्लू क्राउन बर्ड, ब्लू क्राउन कन्यूर। तो ये जो है काफ़ी बड़ा कन्यूर होता है, मतलब जो सन कन्यूर आपने देखा है उससे 1.5 टाइम बड़ा होता है, मतलब उससे 1.5 गुना बड़ा होता है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसका साइज ये करेंगे तो ग्रे से भी बड़ा होता है अगर इसकी टेल वगैरह देखोगे, बाकी पतला होता है, ग्रे मोटा होता है, नो डाउट वो बड़ा होता है,
पर इसका जो साइज़ होता है, जैसे अपने पहाड़ी तोता और अलेक्जेंड्रियन तोता होता है उसके बराबर का इसका साइज़ होता है। और टॉकिंग बहुत अच्छी करता है ये पैरट, मतलब अगर आप इसको टॉकिंग वगैरह के पर्पज़ से लोगे तो टॉकिंग बहुत अच्छी करता है, शांत होता है, ज़्यादा हल्ला नहीं करता, ज़्यादा शोर नहीं करता, और बड़ा और मेजेस्टिक पे बर्ड होता है, मतलब देखने में भी आपको अच्छा लगेगा बड़ा बर्ड आपके अगर पड़ा हो घर पे। और टॉकिंग होती है और इसका जो कलर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्राइट ग्रीन कलर में होते हैं, और इसका जो हेड होता है ब्राइट ब्लू कलर में होता है। जैसे जैसे मेच्योर होगा वो उतना होगा, और जैसे अफेक्शनेट बहुत होता है, जैसे मतलब मकाउज वगैरह होते हैं आपकी गोदी में आके उल्टे लेट जाते हैं, या सन के नूर भी वैसे ही होते हैं, तो ये भी वैसा ही होता है, बहुत अच्छे से आपका टेम हो जाता है अगर आप इसको छोटी स्टेज पे ले लो। और बड़ा बर्ड है, डिस्ट्रक्टिव बर्ड है, मतलब इसकी चोंच बहुत पावरफुल होती है, तो मतलब लकड़ी वगैरह जो है पूरी काट जाता है, तो और टेम अच्छा हो जाता है। तो ये आपके चार बर्ड थे इस केज में, तो जो चार बर्ड हैं चारों क्लोजिंग है आप देख सकते हैं इसमें। और जो इनकी अभी मैं इनको हैंड फीड पे रखा हुआ है, A19 खा रहे हैं, 3 टाइम खिलाता हूँ मैं इनको, और जैसे मैं बर्ड लाता हूँ तो उसको शुरू में 4 टाइम खिलाता हूँ 1 वीक तक, उसके बाद मैं 3 टाइम पे ले आता हूँ, और 3 टाइम पे शुरू में थोड़ा थिन खिलाता हूँ, उसके बाद मैं थिक कर देता हूँ, मतलब थोड़ा हैवी कर देता हूँ। तो अभी ये खा रहे हैं, जैसे अब इनका खाने का क्वांटिटी है, जो क्रिम्सन बेलीड है ये करीबन 15-16 ml खाता है, ब्लू ग्रीन चिकनूर जो है ये 13-14 ml खाता है, सन कनूर जो है अब इसने कम कर दिया है, मतलब ये जो अपना अभी हफ्ता पहले जो खा रहा था ये 20 ml 22 ml खा लेता था, अभी जो है इसने इसका मैंने खाना कम कर दिया, क्योंकि ये अपना सॉफ्ट फूड भी खाया होता है इसने, तभी 10-15 ml ही खिलाता हूँ इसको मैं। और ब्लू ग्रीन चिकन न्यूर जो है वो करीबन 25 ml खा लेता है, अभी थोड़ा खा रहा है, अभी धीरे धीरे 30 ml 35 ml पे पहुंच जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। तो ये है, अब आप देख सकते हैं कि ये जहाँ कहाँ सन कन्यूर 20-22 ml खाता है मैक्सिमम, और वो 30-35 ml खाता है, तो उसका साइज़ का फ़र्क होता है। और बाकी बर्ड्स जो हैं सारे एक्टिव होते हैं ये कन्यूर्स रेंज में जो है, आपको मैंने सोचा था आपको साथ शेयर कर लूँ कन्यूर्स के बारे में। और अब मैं इसकी थोड़ा बहुत प्राइस वगैरह का भी बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को प्राइस का जानना होता है, तो जो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग प्राइस होता है, और प्राइस जो होता है टेम बर्ड का बिल्कुल ही अलग होता है, मतलब आप बर्ड MRP नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो जो सेलर और जो बायर के बीच में प्राइस तय होता है वही प्राइस होता है, कोई इसका फिक्स प्राइस नहीं है। कोई बर्ड आपका 10,000 का भी हो सकता है, और वही बर्ड अगर आपका 5-6 अक्षर बोलने लग जाए तब उसको 50,000 का भी बेच सकते हो, तो आपका ये नहीं हो सकता है कि आपने उसको महंगा दे दिया या आप चोर हो या कुछ हो, तो आपके ऊपर है कि आपका बर्ड किस हद तक टेम है, क्या आपकी क्वालिटी है, कितनी अच्छे आपकी हेल्थ है बर्ड की, और कितनी प्राइम कंडीशन में आप बर्ड दे रहे हो। तो जैसे जैसे प्राइम कंडीशन में बर्ड दोगे तो नेचुरल है कि मार्केट प्राइस से 20%, 10%, 30% अलग अलग होगा, ऊपर होगा। और जैसे ये अभी मैंने पकड़ा है क्रिम्सन बेलीड को पकड़ा है मैंने, ये देखिए कितने सारे कलर हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत कलरफुल बर्ड होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं, वाइट कलर भी थोड़ा सा आता है, और आईज़ तो वैसे सबकी बटन जैसी होती है, सबके आईज़ के रिंग होता है, रिंग आईज़ होती हैं सबकी। ये देखिए इसके बेली में थोड़ा थोड़ा रेड कलर आना भी शुरू हो गया है। और प्राइस का है जैसे कि मतलब एक मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देता हूँ कि सन कन्यूर जो है 10 से 15 के बीच में होता है, ब्लू ग्री ये ब्लू क्राउन जो है आपका 20 के अप्रोक्सीमेट होता है, 20-25 के बीच में अगर टेम है तो, और उसके बाद क्रिम्सन बेलीड जो है वो 20 के अप्रोक्सीमेट होता है, और ब्लू ग्रीन चिकन्यूर जो है वो 8 से 12 के बीच में होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा ब्लू ग्रीन चिकन्यूर दे रहे हैं, सादा की कौन सा दे रहे हो। और ये है बाकी टेम करके और बड़ा करके दे रहे हो तो उसके अलग प्राइस होते हैं, तो प्राइस के बारे में जनरल वैसे ही था। तो बाकी मेरे पास ये सारे बुक हैं, इसको फॉर सेल नहीं है, तो आप उसके लिए कमेंट वगैरह ना करना, ये सारे बुक हैं और सारे बिके हुए हैं, इनको मैं बस बड़ा ही कर रहा हूँ, और सीज़न के लास्ट हैं, और इसके बाद तो ऑफ सीज़न था, ये लास्ट ब्रीडिंग थी जो थी मेरे पास, इसके साथ मैं 4-5 बर्ड्स और हैं मेरे पास जो इनको मैं हैंड फीड कर रहा हूँ, जो लव बर्ड्स वगैरह हैं, और एक आधा सन का न्यूरो है, पर वो सारा कुछ बुक है। तो अब अगर अब नए बर्ड जो बच्चे होंगे वो 3-4 महीने बाद होंगे, जब सीज़न ऑन होगा, जब थोड़ी गर्मियाँ वगैरह कम होंगी, तो ये लास्ट इस विंटर ये समर्स के जो हैं ये आखिरी सीज़न के आखिरी बच्चे थे, तो ये हैं। तो ये देखिए ब्लू क्राउन के क्राउन कितना अच्छा ग्रीन कलर का ब्लू कलर का है, और ऐसे ही होता है, ये बड़ा अभी छोटा सा बच्चा है, कितना बड़ा हाथ में लग रहा है। और
और इसके अलावा मेरे पास और भी कन्योर्स हैं जिसके मेरे पास टाइम टाइम पे बच्चे होते रहते हैं, तो मैं उनका वीडियो बना रहा, मैंने सोचा था कि एक साथ उनका वीडियो भी बनाऊंगा, और वो टाइम टाइम पे निकलते रहे, और ये लास्ट अभी चाह रहे थे तो मैंने सोचा ये भी निकल जाऊँ उससे पहले मैं इसका वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे पास जो थे पहले पाइनएप्पल और ये थे क्या कहते हैं येलो साइडेड के जब बच्चे थे, पूरे रेड फैक्टर में पीच फ्रंटेड के थे, तो उसकी फ़ोटो वगैरह मैं जो है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डालता रहता हूँ, तो उसको आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आएगा अभी एंड पे और शुरू में आया होगा, तो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो और बाकी लव बर्ड्स वगैरह के भी अपडेट होते हैं तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, शुगर ग्लाइडर और चुहावा वगैरह जो जो मेरे पास ब्रीड हो रहा है सब कुछ उधर मैं डाल देता हूँ। अब बाकी वापस आते हैं कन्यूर्स के ऊपर, तो कन्यूर्स के काफ़ी अच्छी वैरायटी बन जाती है अगर आप टेम बर्ड्स लेके रख रहे हैं, और तो मतलब प्लेफुल बर्ड होता है, कलरफुल बर्ड होता है, और आप इनको टॉयज़ वगैरह दे दो, छोटा सा पिंजरा दे दो, बहुत होता है इनके लिए। टेम बर्ड है तो टेम बर्ड के थोड़े से फ़ेदर क्लिप करके या नहीं भी करके तो आप उसको रूम में खुला छोड़ सकते हो, और रात को 1 घंटा 2 घंटे खुला रखने के बाद उसको फिर शाम को दोपहर को बंद कर सकते हो, तो बर्ड भी बोर नहीं होता है, और बर्ड को अगर खुला भी रखोगे तो बर्ड एक जगह पे बैठता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। इसके छोटे से पिंजरे पे टॉयज़ वगैरह लगा सकते हो, टॉयज़ के साथ खेलता रहता है, इनका फीड वगैरह पिंजरे पे सेट कर सकते हो, पिंजरे में जाके खाना खाता है और गंदगी भी वहीं पर करता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। और जैसे कि अगर आपको कोई बर्ड ये अगर टेम कन्यूज़ का कलेक्शन करना है तो आप एक ही एज के मतलब जैसे मेरे को 4-5 बर्ड किसी को एक को देने होंगे तो मैं एक ही एज के दूंगा और वो एक साथ रख लेगा, तो एक एज में अलग अलग वैरायटी के 5-6 बर्ड्स भी रह लेते हैं, तो इससे आपका कलेक्शन भी बन जाता है, और मतलब ब्रीडिंग पर्पस से अगर आपको नहीं रखना है तो 4-4 5-5 वैरायटी के अलग अलग बर्ड्स भी आप रख सकते हो। बाकी ब्रीडिंग पर्पस से भी अच्छा होता है, ब्रीडिंग के लिए मतलब जो ग्रीन चिप सीरीज़ के कनियोर हैं जीसीसी की सीरीज़ के, काफ़ी आराम से ब्रीड कर जाता है, मतलब 1 साल 1.5 साल में मैच्योर हो जाता है, और ब्रीडिंग रिजल्ट इनका बहुत अच्छा होता है, मतलब लोगों के ने तो कॉकटेल से भी अच्छा ब्रीडिंग लेना शुरू कर दिया है यहाँ पे साउथ साइड में, तो ग्रीन चिप कनियोर का अच्छा सा खासा ब्रीडिंग हो जाता है, इसलिए इसका रेट भी थोड़ा डाउन हो गया है। तो जब ये ग्रीन चिप कनियोर आए थे इंडिया में तो इनके रेट कुछ 80,000 90,000 ऐसे होते थे, तो अभी के टाइम पे जो है इनके रेट मतलब 8,000 9,000 से शुरू हो जाते हैं पेयर्स के, तो आप देख सकते हैं कि कितना कम हो गया इनका रेट, मतलब जो वाइल्ड पेयर होते हैं तो उसका कितना कम हो गया है रेट पहले के मुकाबले। तो बाकी ऊपर नीचे होता रहता तब वो रेयर चीज़ थी, अब ये थोड़ी कॉमन हो गई है। क्रिम्सन पैलेट वगैरह है जो है ये भी अच्छे से ब्रीड कर लेता है, पर ये थोड़ा सा मैच्योर होने में बहुत टाइम ले जाता है, मेरे पास तो लोग कहते हैं 2-2.5 साल में हो जाता है, पर मेरे पास जो है 4 साल बाद ही शुरू हुआ है, मतलब 4 साल का पेयर शुरू हुआ है। ब्लू क्राउन जो है ये भी 2.5-3 साल के बाद शुरू होता है ब्रीड करना, और जो सन कन्यूर है ये भी 2 साल ले लेता है आराम से, तो ये इनका टाइमिंग है। और बाकी जो क्लच साइज़ वगैरह है, अंडे वगैरह हैं, ये प्रॉपर देते रहते हैं, इनसे अगर आप साल में 3 बार 4 बार ब्रीड कर जाते हैं, अगर आप इनके बच्चे उठाओ या ना उठाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे ब्रीडिंग करनी है, तो ब्रीडिंग के बारे में अलग से कभी डिस्कस करेंगे। और बाकी क्लच साइज़ जो है 4-5 अंडों का होता है इनका, ब्लू क्राउन के 4 अंडे हुए थे मेरे पास, 4 बच्चे हैच हुए थे, और अभी मैं वीडियो में एक ही दिखा रहा हूँ, बाकी और हैं मेरे पास तो सब बुक हैं। और सन कन्यूर के जो हैं ये 4-5 अंडे देता है और 4-5 बच्चे भी निकाल लेता है, क्रिम्सन पैलेट भी 4-5 अंडे और 7-8 अंडे भी कभी दे देता है और सारे बच्चे अब ऑलमोस्ट निकाल लेता है, और ऐसे ही ये है मतलब, तो कन्यूर्स की जो ब्रीडिंग है वो थोड़ी ईजी हो जाती है और आराम से ब्रीड कर जाते हैं। तो अभी की वीडियो के लिए यही था, और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरा देखा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक साइड पे आपको फेसबुक का और इसका इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, आप उधर जाके हमको फॉलो भी कर सकते हैं, उधर हम रेगुलर कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं। और अभी स्क्रीन के ऊपर आपको ये बेल आइकन आएगा साइड पे, आप उसको दबा के जाएँ ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ जाए और आप उस वीडियो को टाइमली देख सकें। थैंक यू।